व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स एंड दिस वीडियो मेड फॉर एरीज। मेष राशि के लिए आप लोग के लिए मैसेज है कि आपकी जो अभी लाइफ की जो जर्नी है, और हो सकता है कहीं आपको बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से आवाज़ आए कि नहीं, बाहर घूमने जाना चाहिए, बाहर किसी ट्रिप पे जाना चाहिए। बाहर जाके आपको अच्छा भी लगेगा, घर के बाहर थोड़ा टहलिए, या अगर कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं जाइए, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करेगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जर्नी पर आप जाएंगे तो थोड़ा सा एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब चारों तरफ देखिए, बी अवेयर, अलर्ट रहिए, आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, रिएक्ट मत करिए, इन्वॉल्व मत होइए उसमें, लेकिन एटलीस्ट उसमें आप ये देखिए कि क्या चल क्या रहा है। ये चीज़ इसमें आ रही है, और चालाक लोगों से बचिए, इस वक्त यहाँ पे मैसेज है। और यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी जर्नी जब आप जाएंगे तो आप इन्जॉय भी करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। और यहाँ पे आपका जुलाई में दिख रहा है कि इस मंथ में जो भी आपकी एनर्जी है, काम करने की जो क्षमता है, उसको रिटेन करके रखिए, इधर उधर वेस्ट मत करिए, बेफालतू की लोगों की बातें मत सुनिए। अपनी बातें जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट करिए, अपनी एनर्जी को बचाइए इस वक्त, और उसको सही दिशा में लगाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं हम भटक रहे हैं, तो अगेन दोबारा से अपने आप को फोकस करिए अपने काम पे, और ऐसे लोगों से दूर रखिए जो कि एनर्जी सकर्स होते हैं, एनर्जी सक करना चाहते हैं, आपकी अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, उनसे मत बातें करिए। एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि इस मंथ में आपका बहुत ही स्मूथली सारी चीज़ें चलेंगी, बहुत ही आराम से, कोई टेंशन और प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बहुत ही आराम से, जैसे होता है ना कि सारी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होती जा रही हैं, सब कुछ आपने विधाता पे छोड़ दिया है, ऐसा इसमें मैसेज आ रहा है कि जैसे कि आपको बहुत ही एवरीथिंग, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली आपकी चलेंगी। उसको जैसे होता है ना कि बहती हुई नदी को आप रोक नहीं सकते, वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी में जाएगी। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा है कि आप जिंदगी से इस वक्त लड़ें और सब चीज़ें एकदम से पलट देना चाहें, रिवर्स में करना चाहें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसमें अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए। एंजल्स यहाँ ये मैसेज कर रहे हैं, जो जैसा चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए, उसी में आपकी भलाई है इस वक्त के लिए। तो यही मैसेज है, क्योंकि इसमें कोई चैलेंजेस या ऐसा कुछ तो आ भी नहीं रहा कि कोई चैलेंजेस हो तो उस पर बहुत आपको फाइट करके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चल रहा है चलते रहने दीजिए, वही इस वक्त अच्छा भी है। और दूर दूर से देखिए कि लोगों के बीच में चल क्या रहा है, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी इशू में, किसी भी तरह की पंचायत या गॉसिप में अपने आप को मत फंसाइएगा। आपको कहीं ऐसा लगता है कि ग्रुप ऑफ पीपल है या फोन कॉल पे कहीं कुछ ऐसे बातचीत हो रही है, तो अपने आप को मत उसमें इन्वॉल्व मत करिए। हाँ, सुन सकते हैं, केवल जानकारी ले लीजिए, एक ऊपर ऊपर से एक पिक्चर जो होती है, एक ऊपर ऊपर से आप देख लीजिए कि हाँ ठीक है, क्या चल क्या रहा है बस, लेकिन उसके उसमें जाके डूबिए नहीं, जाके प्रॉब्लम में। उसमें ये मैसेज आ रहा है, अबेंडेंस रहेगी इस वक्त, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। इस मंथ में यहाँ दिख रहा है कि आपको अबेंडेंस है इस वक्त, काफ़ी अच्छा अबेंडेंस है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपके आगे जाके इसमें दिख रहा है, जैसे होता है ना बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए और अब जाके फल प्राप्त हुआ है, तो वो मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अपने आप को प्यूरीफाई करिए, रोज नहाइए, ये नहीं कि एक दिन स्किप कर दिया। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं अपनी ऑरा की क्लीनिंग करिए, सेंधा नमक 2-3 चुटकी, पिंक हिमालयन सॉल्ट आता है, 2-3 चुटकी मैं कई बार बता चुकी हूँ, नहाने के पानी में डाल के आराम से अपना सवेरे नहाइए और फ्रेश रहिए। वाटर हीलिंग भी की जाती है, हीलिंग करिए और अपनी आसपास की चीज़ों को देखिए, साफ सुथरा जगह हो, जहाँ आप बैठते हैं ऑफिस में वहाँ पे भी कुछ टूटा फूटा फर्नीचर हो हटा दीजिए, उससे नेगेटिविटी आती है, फटे हुए कपड़े या कोई भी फटी हुई कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास, आपका बेडशीट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसको हटा ही दीजिए, उससे केवल नेगेटिविटी ही आएगी। प्योरिफिकेशन का मतलब यही है, क्लिनजिंग का मतलब यही है कि अपने आप आसपास साफ सुथरा रखिए, और किसी भी चीज़ जो नेगेटिव लग रही हो, वो या टूट गई हो किचन में कोई ऐसी चीज़, तो उसको हटा दीजिए, फर्नीचर हो चाहे आपके खुद के चीज़ें हों सारी। आपको इस वक्त एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि अपने पे ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जो अपने हैं वाकई में, जो आपको अच्छी सलाह देने वाले और अच्छे आपको जो प्यार करते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए।
चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हों, उन पे विश्वास रखिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर से सुनिए, इससे आपको सक्सेस मिलेगी। अपने स्पिरिट गाइड्स जो हैं, आपके एंसिस्टर्स हैं, उनकी सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं। इस वक्त आपके जुलाई मंथ में अगेन यही मैसेज है, हैप्पीनेस रहेगी, जॉयनेस रहेगी, बहुत आराम से स्मूथली काम करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई टेंशन प्रेशर नहीं, तो एकदम बिल्कुल स्मूथ लाइफ है आपकी इस वक्त। कोई इसमें ये नहीं दिख रहा है कि आपको कोई बहुत जद्दोजहद करनी है, ऐसे कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है जुलाई का मंथ आपका। और ग्रीन कलर अच्छी हीलिंग कलर जो होता है, पेड़ों के पास थोड़ा समय और बिताइए, थोड़ा उनकी सेवा करिए, उनको पानी दीजिए। उससे बुजुर्गों का भी जो है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं पेड़ भी तो हमारे घर पे आए हैं, तो कोई ना कोई वजह है, तो वो एक तरीके से हम पूर्वज की तरह उनको देखते हैं, पेड़ों को, तो उनकी सेवा करिए। और ग्रीन कलर आपका हीलिंग कलर है, इसको यूज़ करिए, चाहे कपड़े पहनिए, चाहे बेडशीट लगाइए, चाहे पर्दे लगाइए, चाहे कुशन यूज़ करिए, चाहे पेन यूज़ करिए ग्रीन कलर का, या क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, उसको आप पहन लीजिए। इसमें नेक्स्ट इसे मैसेज है कि आपको इस वक्त सरेंडर करना ज़रूरी है। कहीं भी किसी सिचुएशन में आपको लगता हो कि यहाँ पे मुझे अपना सरेंडर करना ज़रूरी है, झुकाव, अपना झुकाव रखिए। देखिए, अकड़ का पेड़ तो गिर जाता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल होता है पेड़, तूफान चाहे जितना आ जाए, चाहे जितनी उसको आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वो हिलता डुलता रहेगा, इधर से उधर करता रहेगा, लेकिन वो कहीं टूटेगा नहीं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, जहाँ झुकना है झुकिए, जहाँ खड़े होना है वहाँ खड़े होकर कहिए भी कि हाँ, आई विल अचीव दिस। तो जहाँ आपको लगे कि हाँ सॉरी कहना है, सॉरी कह दीजिए, पर आप किससे, आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, अगले जनों को भी लगेगा कि हाँ, घमंडी नहीं है एटलीस्ट। तो ये सब चीज़ें करिए। आपकी इंट्यूशन के लिए अगेन मैसेज कर रहे हैं एंजल्स की, अपनी आपकी जो इनर जो विजडम है, जो आपकी अंदरूनी नॉलेज है, जो इतने सालों से आपने अपने बचपन से, जवानी में और यंग एज में जो भी गेन किया है नॉलेज, वो काम आएगा इस वक्त। बहुत अच्छा मैसेज है। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, आपने क्या सीखा, क्या सिखाती है आपको ज़िंदगी, क्या सीखा आपने ज़िंदगी से, वो सब यहाँ इस वक्त काम आएगा। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर कहना चाह रहे हैं एंजल्स की। इस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन पे सुनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने अपनी मेहनत करी है पिछले कुछ सालों से, अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनिए। अंतरात्मा की आवाज़ सबसे ज़्यादा सही होती है, क्योंकि वो ज़्यादा जानती है कि क्या नीडेड है आपके लाइफ में। तो इंट्यूशन पावर इस वक्त आपकी अच्छी रहेगी, अच्छे थॉट्स आएंगे इस वक्त आपके लाइफ में। इसमें दिख रहा है कि अच्छी सोच को रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग को रखेंगे तो उसको लेके, इंटेंशन लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा है। इस वक्त कूल रहिए, काम रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी कुछ, ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला। बस थोड़ा सा यही है कि वाइट कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं, या ऑफ वाइट कलर के थिंग्स, या लाइट कलर के शेड्स पहनने में आप कर सकते हैं। आप हंसों का, दो हंसों का जोड़ा, या स्वान या फ्लेमिंगो जो बर्ड्स होते हैं, या दो कबूतर वाइट कलर के जो होते हैं, वो फोटो अपने बेडरूम या लिविंग रूम में लगा सकते हैं। इसको लगाने से आपके दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी बनती है। अगर आप सिंगल हैं तो भी लगा सकते हैं, इससे शांति रहती है घर में, दो हंसों के जोड़े के अगर आप लगाते हैं तो। उससे क्या होगा कि आपके सब चीज़ ना क्लियर होगी कि लाइफ में क्या गड़बड़ है, क्या सही है, कैसे क्या काम करना है। क्लैरिटी रहती है वाइट कलर से, वाइट कलर डिनोट्स टू क्लैरिटी, क्लीनिनेस, प्योरिफिकेशन। तो वो सब मैसेज इसमें आया है। तो अपनी प्योरिफिकेशन करिए और मेडिटेशन करिए, बेस्ट होता है मेडिटेशन करना। अगर 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं तो वो भी आपको प्योरीफाई करता है कहीं ना कहीं। तो कूल रहिए, काम रहने वो कह रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल शांत होके काम करिएगा। आई थिंक द मैसेज इज़ अ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज, एंड यू विल फॉलो इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।